यहाँ खजाने मंदिरों के, लेकिन दिलचस्प यह है कि यह भक्ति के बढ़ने का असर नहीं है बल्कि नोटबंदी के चलते हुआ है। सही समझे आप, जिन पुराने नोटों को कोई नहीं ले रहा है तो क्यों ना उसे भगवान को चढ़ाकर ही पुणे कमा लिया जाए, ये सोच है इसके पीछे। क्या ये वाकई में पुणे है? देखिए रिपोर्ट। पांच सौ और एक हजार के नोट बंद होने से भले ही कई लोगों का नुकसान हुआ हो, लेकिन बप्पा का दरबार हो या फिर शिरडी वाले बाबा का दरबार, नोटबंदी के बाद से मालामाल हो गया है। 500 और 1000 के नोट चलन से बाहर क्या हुए, मंदिरों की दान पेटियों में पुराने नोटों की बाढ़ सी आ गई। हाल ही में मंदिर के दान को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं उससे ये साफ हो गया है कि यहाँ के चढ़ावे में दोगुना इजाफा हुआ है। नोटबंदी के बाद से देश भर के मंदिरों को निर्देश दिया गया कि वहां मिलने वाले चढ़ावे की गिनती रोजाना की जाए। केंद्र सरकार के निर्देश का पालन करते हुए शिरडी के साईं बाबा मंदिर को मिलने वाले चढ़ावे की गिनती अब रोजाना होने लगी। इससे पहले ट्रस्ट की तरफ से हफ्ते में दो बार कैश गिना जाता था। इसके साथ ही चढ़ावे मिले नोटों की रोज गिनती कर बैंक में जमा करवाया जा रहा है ताकि बैंक के पास छुट्टे नोटों की किल्लत कम की जा सके। लेकिन जब शुक्रवार को दान पेटी खोलकर गिनती की गई तो चढ़ावे में कुल 34 लाख रुपए मिले, जिसमें 2000 रुपए के 151 नोट मिले, 1000 रुपए के 570 नोट मिले और 500 रुपए के 1258 नोट मिले। यानी 8 दिनों के भीतर मंदिर में कुल 4 करोड़ का चढ़ावा चढ़ा। फिलहाल अब साईं बाबा के मंदिर में 500 और 1000 के नोट डोनेशन काउंटर पर लेने बंद कर दिए गए हैं, लेकिन दान पेटी में अभी भी लोग पुराने नोटों को डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। चार बार टोटल कैश काउंटिंग हो गई है, उसमें लगभग 4 करोड़ का चढ़ावा यहाँ पर बाबा के लिए आया है। आज की हमारी जो काउंटिंग हो गई है उसमें 2000 रुपीज़ के 151 नोटें यहाँ पर आई है, 1000 रुपीज़ की 570 नोटों यहाँ पर मिली है और 500 रुपीज़ की 1258 नोटों यहाँ पर हमें नोटा हमें यहाँ पर मिली है। वहीं मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में नोटबंदी के बाद पिछले बुधवार को जब दानपेटी खोली गई तो ट्रस्टी भी हैरान हो गए। आम दिनों के मुकाबले जहां एक हफ्ते में 35 से 40 लाख रुपए का चढ़ावा मिलता है, वहीं नोटबंदी के असर के बाद 60 लाख रुपए का चढ़ावा मिला। इनमें 1000 और 500 के नोटों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। बप्पा की दानपेटी में 2000 के नए नोट 90 मिले, 1000 रुपए के 1060 नोट मिले और 500 के 3340 नोट मिले, यानी कुल चढ़ावा करीब 60 लाख रुपए का मिला। वहीं सिद्धिविनायक ट्रस्ट का कहना है कि नोट बदलवाने की मियाद खत्म होने यानी 30 दिसंबर के आते आते बप्पा के चढ़ावे में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। थोड़े बहुत महीने में जो है 500 हजार के नोट के गड्ढियां थोड़ी ज्यादा नजर आ रही है। इवन 2000 के भी नोट इसमें काउंटिंग में आपको नजर आएंगे, क्योंकि हम लोग जो काउंटर पे पैसा लेते हैं जो उसके अंदर हम लोगों ने 500 हजार रुपये का नोट पहले से बंद कर दिया था। ये जो नोट काउंट करते हुए आप देख रहे हैं, ये नोट सिर्फ जो है वो दान पेटी में और हुंडी में डाले हुए पैसे हैं और डेली का जो हमारा कलेक्शन होता है उसके अंदर हम लोग 1.25 लाख के करीब हमको पूजा बुकिंग और जो कैश है, जो कैश के माध्यम से डोनेशन होता है उसका हम लोग को मिलता है। हालांकि भक्तों में ऐसे लोग भी हैं जो ये मानते हैं कि भगवान को दान वही दिया जाना चाहिए जो चलन में हो, रद्दी चढ़ाने से पुण्य नहीं मिलता। खैर, यहाँ सवाल श्रद्धा का है। तभी तो कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। शिरडी से प्रशांत शर्मा के साथ कविता शर्मा, इंडिया 24/7 मुंबई।